तो जो हमारा रॉट व्हीलर है करीब 3 साल का हो गया है और इसका रैबिज का टाइम भी हो गया है, तो हम सबसे पहले रैबिज देने के लिए 9-in-1 देते हैं या 7-in-1 या 11-in-1, तो हम लोग देंगे 9-in-1। और ये रहा हमारा इंजेक्शन, इसे हम लोग बर्फ में करके लाए हैं, और ये है दोनों मिक्स करके देंगे। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब ही बताएंगे ज़्यादा। ये वैक्सीन देने के 20वां दिन रैबिज का वैक्सीन हम लोग लगाते हैं, जो एंटी रैब के नाम से आता है, बहुत सारा है। ये 9-in-1 वैक्सीन है, बहुत शानदार ही वैक्सीन। ये देने से पार्वो, डिस्टेम्पर जैसे बहुत खतरनाक पशु डॉग का बीमारी जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मतलब हम रैबिज देने के पहले, जब हम 1 साल या 6 महीने पर रैबिज देते हैं, 6 महीने पर ही देते हैं, तो उसके पहले हम लोग देंगे 9-in-1 या 7-in-1 या 11-in-1, और उसके 20 दिन के बाद 21वें दिन देना है रैबिज का इंजेक्शन। तो फिलहाल हम लोग अभी 7-in-1 इसे दे रहे हैं, और 7-in-1 जो है उस चमड़ा में दिया जाता है, और चमड़ा में ही देंगे। इसका तो हम लोग मुंह में जाबी लगा दिए हैं, जिससे काट तो नहीं पाएगा। बस बैठो, बस हम चमड़ा में। इसके कान में कीड़े पड़ गए हैं और घाव हो गया, जख्म हो गया, और यहाँ पे सफाई करने के लिए सफाई करना इस दवा का यूज करेंगे। देखिए बस, तो फिलहाल है बचा दिया है, क्योंकि इसके मुंह में जाबी है तो बच गया, नहीं तो काट ही लिया होता। चलो चला जाओ, बस ओए बस अपना चल रहा है। एक मिनट मैक्स बस बस मैक्स 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 गूगल का की जा रहा है। बस बस बस। तो गाइस अभी हम इसका 9-in-1 दे दिए हैं, और इसके ठीक 20 दिन बाद 21वें दिन रैबिज का इंजेक्शन देंगे। तो फिलहाल अभी तो शांत है, हाथ मिलाओ मैक्स, बस ठीक। लेकिन जैसे डॉक्टर आपको देखेगा एकदम पूरा भड़क जाएगा। अभी यहीं पे है, अभी जैसे ही आए अब देखना है क्या कर रहा है। उनको देख कर ये लगता है तोड़ देगा, इनको देख कर ही समझ जाता है इंजेक्शन देने आए हैं, और गलती से खुल गया तो इनका तो खैर नहीं। बस मैक्स, तो